हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीति। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। मैं आप सभी लोगों को बताना हूँ जो आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम होगा उसमें जो आप सभी लोगों का सब्जेक्ट है पोलिटिकल साइंस, इसमें मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि पोलिटिकल साइंस में टीआरई 3.0 री एग्जामिनेशन के लिए टोटल ऑल ओवर कितने फॉर्म डलाए गए हैं, कितनी सीट है और उसके हिसाब से कंपटीशन कितना है, पिछले के अकॉर्डिंग इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है, उसके बाद सेफ अटेम्प्ट्स और सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, जो अगर आप लोग करके आए तो आप लोग बेफिक्र रहें और आप सभी लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। ये सारी जानकारी मैं आप सभी लोगों को देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। उससे पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो कृपया करके आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को, मैंने डाटा पूरा कलेक्ट कर लिया है, लिखा हुआ है वो मैं आप समझाता हूँ, फिर उसके बाद जो ब्लूप्रिंट्स हैं, जो डाटा है जो ऑफिशियल है वो भी मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा। अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल साइंस की तो यहाँ पर आप सभी लोगों को गौर करना होगा जो 2019 में एस्टेट हुआ था और जो 2023 में एस्टेट हुआ था, उसके बाद 19 और 23 में जो एस्टेट हुआ था उसके बाद वैसे कैंडिडेट जो कि एस्टेट पास थे बट टीआरई 1 और टीआरई 2 में सिलेक्ट नहीं हो पाए वो लोग ही टीआरई 3.0 को अप्लाई किए होंगे, बाकी कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है, बशर्ते अभी एस्टेट का एग्जामिनेशन हुआ है जो कि टीआरई 4.0 अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें 2019 की तो यहाँ पर आप सभी लोगों को देखना चाहिए कि 880 कैंडिडेट पास किए थे, 880 कैंडिडेट जो है कि पास किए थे, उसके बाद रिजल्ट कितने का आया था तो 712 कैंडिडेट का रिजल्ट आया हुआ था और यहाँ से ऐसे कितने कैंडिडेट है कि जो कि फेल हो गए तो 168 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फेल हो गए हैं। ठीक है, अब इसका प्रूफ दिखा दूँ तो यहाँ पर देखिए आप सभी लोगों का ये रहा प्रूफ एंड यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 26/2023 11th-12th कंप्यूटर राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस टोटल 712 कैंडिडेट ही पास हो पाए थे। ठीक है, और कितने ने एग्ज़ाम दिया था इसका भी प्रूफ है मेरे पास, यहाँ पर आप सभी लोग देखते हैं तो ये रहा आप सभी लोगों का पॉलिटिकल साइंस, 880 कैंडिडेट ने जो है कि एग्ज़ाम दिया था, 712 पास हुए थे, 168 फेल हो गए थे। ठीक है, तो 168 कैंडिडेट ऐसे बचे जिनका एस्टेट तो क्लियर था बट टीआरई 1 में सिलेक्शन नहीं ले पाए। अब बात कर लेते हैं 2023 के एस्टेट के बारे में, 2023 के एस्टेट में 8507 कैंडिडेट जो है कि एस्टेट क्वालिफाई किए बट टीआरई 2.0 यहाँ पर 12 लिखा गया 2.0 होगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें रिजल्ट कितने का आया, 4929 कैंडिडेट का रिजल्ट आया। ठीक है, 4029 कैंडिडेट का रिजल्ट आया जिसमें से अब कितने कैंडिडेट ऐसे बच गए जो कि टीआरई 2.0 में फेल हुए, तो मैं आपको बता दूँ वो हुए 3578 कैंडिडेट, तो ये और 168 कैंडिडेट ये वाले बचे थे। ऑल ओवर जो कैंडिडेट बचते हैं वो बचते हैं हमारे 3764, ये कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एस्टेट निकला हुआ है, एसटीईटी निकला हुआ है बट ये लोग टीआरई 1 और टीआरई 2 में क्या हो गए, फेल हो गए हैं, यानी कि यही सारे कैंडिडेट ने जो है कि टीआरई 3.0 के लिए अप्लाई किया होगा। अब कुछ प्रूफ मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आप सभी लोगों को बताया मैंने पॉलिटिकल साइंस में 11/12 में टीआरई 2.0 में 4929 कैंडिडेट का रिजल्ट आया था और कितने कैंडिडेट पास किए थे एस्टेट 2023 में, उसका भी प्रूफ है मेरे पास, कहाँ गया ये देख सकते हैं आप सभी लोग, ये पूरी लिस्ट है मेरे पास, ये देखिए ये 2023 का है, सॉरी 2023 का ही है हाँ, और ये देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस दिख रहा होगा, टोटल 8507 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे एस्टेट को। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आप सभी लोगों को 8507 ही बताया है। ठीक है, तो ये तो हो गई डाटा, और डाटा कितने क्या है, कितने कैंडिडेट बचे हुए एग्ज़ाम देंगे, आगे बढ़ते हैं देखते हैं हम लोग कंपटीशन के बारे में। तो वैकेंसी अगर ऑल ओवर अगर आप सभी लोग देखें टोटल वैकेंसी 1209 जिसमें से मेल की वैकेंसी 808 और फीमेल की है 401। ठीक है, ऑल ओवर अगर हम लोग कंपटीशन निकालेंगे, अगर हम लोग डिवाइड देंगे कितने कैंडिडेट बचे हुए हमारे पास, अगर देखें कैंडिडेट हम तो 3764 कैंडिडेट है, कितने कैंडिडेट है 3764 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एस्टेट निकला था बट टीआरई 1 टीआरई 2 में सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो इसी के आसपास कैंडिडेट ने जो है कि टीआरई 3.0 के लिए अप्लाई किया होगा, मान लेते हैं कि टोटल नहीं अप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर हम लोग 3700 भी लेके चलते हैं और 3700 के अगर आप लोग 1209 से डिवाइड करते हैं तो 2.9 के समथिंग आ गया, यानी कि एक सीट के ऊपर तीन कैंडिडेट का जो है कि कंपटीशन आप सभी लोगों का रहने वाला है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए टीआरई 2.0 में अगर आप सभी लोग अपने सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं, घूरते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पर रहा आप सभी लोगों का पॉलिटिकल साइंस, कहाँ गया भैया, ये रहा पॉलिटिकल साइंस,
एक सीट के ऊपर एक कैंडिडेट था और कट ऑफ आप सभी लोगों का बहुत कम गया था और जो कंपटीशन है वेरी लो था। और वैसे ही आप सभी लोगों का इस बार का जो है कि आप सभी लोगों का जो कट ऑफ और जो कंपटीशन रहने वाला कंपटीशन आप सभी लोगों का डाउन रहेगा। अब देखते हैं, पिछली बार का कट ऑफ कम गया था क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ था और नंबर ऑफ सीट और नंबर ऑफ कैंडिडेट कम थे, इस कारण आप सभी लोगों का यहाँ पर एक लो था, यहाँ पर एक हाई था। और जो ऑल ओवर आप सभी लोगों का जो कट ऑफ गया था 63 गया था जनरल का, ठीक है 63 गया था पिछली बार का कट ऑफ। बट हम लोग इस बार कोई भी रिस्क ना लेते हुए एक अपने आप को सेफ जोन में रखते हुए कट ऑफ अगर देखें तो 75 प्लस हमें स्कोर करना है। 75 प्लस अगर आप लोग जनरल से आ रहे हैं तो आप सभी लोगों को अपना एक जो सेफ अटेम्प्ट से 75 प्लस लेकर के चलना है। इसके ऊपर आप कितने नंबर भी लेते आइए, आप सभी लोग एक सेफ जोन में रहिएगा क्योंकि डिसाइड करता है आप सभी लोगों का पेपर का लेवल के साथ। अगर आप सभी लोगों का पेपर का लेवल टफ आ रहा है तो आप सभी लोगों का 75 से नीचे भी जा सकता है कट ऑफ। बट अगर आप सभी लोगों का पेपर का लेवल लो रहा और आप लोग कंपटीशन भी लो ही हैं तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आप सभी लोगों का जो कट ऑफ है वो हाई जा सकता है। अब पूरा डिपेंड करता है आप सभी लोगों का पेपर का लेवल कैसा रहा है, ठीक है। अब दो तीन ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कि अब कमेंट करके पहले से बता देंगे कि ये बोलेंगे भैया कि आप सभी लोगों को पहले से कंपटीशन पता है पेपर का, तो वो मैं एक फैक्टर, कट ऑफ निकालने के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वो एक फैक्टर मैं छोड़ के चलता हूँ जब तक पेपर नहीं होता। और पेपर होने के बाद मैंने अभी तक जितने भी कट ऑफ के एनालिसिस किए हैं सारे सटीक रहे हैं, BPSC को लेकर के खासकर सही रहे। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर और कुछ जानना है तो आप सभी लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।